सो अभी हम यहाँ रमन रेती आए हुए थे और ये हम आ गए अपने आइलैंड। एक्चुअली गंदे नहीं हुए। Hey guys, it's me Ayush Tiwari and welcome to my YouTube channel AKT Vlog. So here we are at Mathura Junction Railway Station. और यहाँ का वेदर बहुत ही अनएक्सपेक्टेड निकला। हम लोग ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे केवल ठंडी रहेगी, बट यहाँ पर बहुत ही तेज़ बारिश हुई और यहाँ का मौसम कुछ ऐसा दिख रहा है। तो आप लोग यहाँ सबके ऐसे चंदन लगाते रहते हैं? हाँ। अच्छा ठीक, आप कुछ बोलना चाहेंगे कैमरे में? अंदर में कुछ नहीं, इधर के हम गाइडेंस होते हैं, कभी कभार चंदन लगाते हैं, चौकी बना कार्ड के पंडागिरी नहीं हो रही ना, अभी यात्री को घुमाते हैं ना। हाँ। तो बना कार्ड के पंडागिरी नहीं हो रही, इसलिए अभी कार्ड बना नहीं है मेरा। अच्छा। दो महीने लगेंगे बनने में। अच्छा, उसके बाद आप गाइडर बन जाओगे यहाँ के? हाँ। फिर आप अंदर लेके जाओगे सबको घुमाने? अंदर में यहाँ क्या क्या मिलेगा हम लोग को देखने को? कैमरा तो अंदर अलाउ नहीं है, दिखा पाएंगे नहीं, आप ही कुछ बता दीजिए। इधर पहला तो मिलेगा केशवदेव मंदिर, केस पकड़ के मामा कंस को मारा था ना, देव की वासुदेव को केस पकड़ के कारागाह में डाला था। हाँ। भगवान का जन्म हुआ था तो भगवान को पहले ही मालूम था कि मामा कंस को केस पकड़ के ही मारा भगवान ने, इसलिए नाम पड़ गया उनका केशव काला केशव। अच्छा। ऐसे बाकी बिहारी काली है ना, जैसे काला केशव बोला जाता है इनका। इधर थ्री बिल्डिंग है, वो दो मंदिर इसमें नए बने हैं, एक वो गिरिराज जी का मंदिर नहीं है। हाँ हाँ। वो गोवर्धन से ला के इधर विराजमान करे हैं। अच्छा। क्योंकि इधर के लोग जाते नहीं है इधर, बहुत कम ये बड़े बूढ़े। हाँ। तो इसलिए इधर ही परिक्रमा लग जाती है, 56 भोग का प्रसाद लगता है गिरिराज जी का, वो इधर ही लग जाता है। ओके। Okay. भगवान सामने मंदिर कारागाह के सामने योग माया बोला जाता है, योग माया जाने की कंस को चेतावनी दिया था ना, देव की वासुदेव की सातवीं लड़की। अच्छा। इसको योग माया बोला जाता है। हाँ। और सात गेट थे कारागाह के, सात गेट में थे, छह गेट तोड़ के औरंगजेब बादशाह ने मस्जिद बनवाया इधर यहाँ पे। हाँ। अच्छा, वो मस्जिद अभी भी है? हाँ। अभी हम लोग को देखने को मिलेगा अंदर? अंदर मिलेगा आपको देखने को। अच्छा ठीक भैया, ओके भैया, थैंक यू भैया।
वी आर एंटरिंग इन गोकुल विलेज। काना जी का जन्म हुआ, नौमी को नंद बाबा को मालूम पड़ा तो यही चौक के अंदर नंद बाबा ने गौदान किया, जो कहते हैं नंद घर आनंद हुए जय कन्हैया लाल की। मट्टी को या जन्माष्टमी के टाइम पे वो यही चौक के अंदर फोड़ा जाता है। ये गेट को बोलते हैं कृष्ण द्वार। वासुदेव जी लेके आए ना भगवान कृष्ण को मथुरा जेल खाने से, बाकी मेल में छुपा के गए थे। यहाँ मेन मंदिर कृष्ण और बलराम का ही है। अच्छा, कृष्ण जन्म हुआ मथुरा में, कृष्ण के बड़े भैया थे ना बलदाऊ जी महाराज, हाँ उनका जन्म या गोकुल में हुआ। अच्छा, अभी हम लोग वो तो देख रहे थे जहाँ वो लोग यमुना नदी क्रॉस किए थे, वो तो यमुना पार करके वासुदेव जी लाए थे भगवान, हाँ, कृष्ण को, हाँ यहाँ दे गए थे। यहाँ से बदले में नंद बाबा की लड़की थी योग माया, अच्छा उनको ले गए थे, जो कंस ने मारा था, हाँ हाँ, तो आकाश में जवाब दिया, हाँ, कि मामा कंस तुम मेरे को क्या मारता है, तेरे मानने वाला कन्हैया जी गोकुल में झूला में झूल गया, हाँ मेन झूला का दर्शन है। अच्छा, मथुरा वृंदावन जाएंगे सभी, हाँ, जगह आपको मिलेंगे कृष्ण, हाँ, यहाँ कृष्ण को बोलते हैं लड्डू गोपाल, यहाँ भगवान ने अपना बचपन बिताया है, हाँ। कृष्ण के जो बड़े भाई थे बलराम जी महाराज, आज उन्हीं का प्रताप है, ये गांव में आप बोल रहे हैं, हाँ, ये गांव में यहाँ आपको प्याज लहसुन मसूर का दाल मांस मच्छी अंडा ये देखने को नहीं मिलेगा, प्योर वेजिटेरियन है सब लोगों का, हाँ ये बलराम जी महाराज का चमत्कार है यहाँ। अच्छा, जल्दी में ये गांव को बोलते हैं गोकुल, इसका शुद्ध नाम है गौकुल, गायों का कुल। अच्छा, कहते हैं मथुरा का बेटी और गोकुल का गाय, जिसका कर्म फूटे वो बाहर गांव को जाए। मथुरा का जो चौवा लोग होता है ना, हाँ, उनका चौवा लोग का शादी चौवा लोग में कर देती हैं, लड़की का बाहर नहीं। What?